बात कर रहे थे कि आगे की रणनीति हम लोग अगला युद्ध कैसे आंदोलन किया जाए, उधर से पुलिस प्रशासन आया और मारना शुरू कर दिया कि यहाँ पर मारा है, बलर भी नीचे पर में आया, उधर से आपको भी चोट लगी? हाँ, हमको चोट लगी है, देखिए यहाँ पैर पर लगी है, यहाँ पर देखिए बलर, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर मारा है। ये क्या हम लोग नक्सलाइट नहीं है, हम लोग भी देश का भविष्य है, पता है हम लोग नक्सलाइट है क्या? हम लोग मोदी को इसीलिए चुन लेते हैं कि हम लोग डंडा खाए, अगर ऐसा मोदी आंदोलन रहा ना 2024 नहीं 2022 में उसका सरकार गिरा देंगे। चौबीस जनवरी से बिहार और यूपी में कई जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। मामला है NTPC की परीक्षा में उसकी जो परिणाम आया है, छात्रों का ये आरोप है कि इसमें धांधली की गई है। दरअसल NTPC के जो परिणाम घोषित किए गए उसमें छात्रों का ये कहना है कि सरकार ने ये दावा किया था कि रिजल्ट 20 गुना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि 35,000 पोस्ट पर NTPC ने परीक्षा ली थी और सरकार ने ये कहा था, रेल मंत्रालय ने ये कहा था कि इसकी जो परिणाम है ये 20 गुना यानी लगभग 7 लाख से अधिक परिणाम दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टेक्निकली रेल मंत्रालय का ये कहना है कि रिजल्ट तो 7 लाख से अधिक दिए गए हैं, यानी 20 गुना रिजल्ट दिया गया है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि ये जो टेक्निकली आ रहा है यही गलत है, यही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल NTPC ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें कई अलग अलग पोस्ट के लिए उन्होंने रिजल्ट जारी किए और एक छात्र का नाम कई पोस्ट पर उन्होंने दिया है। ऐसे में जो छात्र हैं वो किसी एक पोस्ट पर ही ज्वाइनिंग करेंगे और बाकी के पोस्ट जो हैं वो खाली रह जाएंगे। इसी को लेकर छात्रों ने 24 जनवरी से ही बिहार और यूपी के कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और कई जगहों पर ये प्रदर्शन बहुत उग्र भी हो गया। अभी हाल फिलहाल में जो NTPC और ग्रुप डी के छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसकी क्या वजह है, क्यों ये पूरा आंदोलन हो रहा है? देखिए सर, सबसे पहले मैं डेमोक्रेटिक चरखा में आपने हमें बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अभी जो सबसे बड़ी मुद्दा जो उत्पन्न हुई है NTPC में, इसका सबसे पहला मेन वजह यही है कि रेल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि लड़कों का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। वो ऑलरेडी 20 गुना रिजल्ट है, लेकिन इसमें है क्या कि लेवल वाइज रिजल्ट दिया गया। लेवल वाइज में हुआ क्या कि जैसे कई सारे इसमें पोस्ट है तो उस पोस्ट में जो है एक लड़का का 5 जगह हो गया है, 5-5 जगह रिजल्ट होने के कारण लगभग इसमें पोस्ट 35,000 है। 35,000 में उन्होंने कहा था 20 गुना तो लगभग 7,000 से मतलब ज़्यादा होता है, 7 लाख। तो इसमें उतना मतलब पूरा दिया है, लगभग 3.5 लाख या 4.25 लाख के आसपास में मतलब रिजल्ट पुराया है। सरकार का एक प्रक्रिया है, वो बाद में मतलब CBT 2 में वो जो लड़का क्वालिफाई करेगा, फिर साइको का बहुत सारे इसमें है, मतलब 3-4 लेवल है तो वो फुलफिल कर लेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जो लड़का इतना मेहनत करता है तो उसे मौका दोबारा नहीं मिल पा रहा है। इसमें वो लड़का मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट एग्जाम में ही बाहर हो जा रहा है, तो इससे लड़का को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ जो है सा अन्याय हुआ है। जो ग्रुप डी और NTPC की परीक्षा होती है, जैसा कि अभी हम लोग आपसे जब बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि लगभग 4-5 साल एक वैकेंसी को फुल करने में लग जाता है, इससे छात्रों के जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या मानसिक दबाव उन्हें झेलना पड़ता है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, यहाँ के जीवन में मतलब रहना, उसके मतलब जीवन यापन करना, पढ़ना लिखना और अपने आगे के लाइफ तैयारी करते करते लगभग मान लीजिए हम लोगों का उम्र बीत जा गया थी, और जब एक निश्चित समय पर आपको किसी चीज़ की सफलता नहीं मिलती तो बहुत तरह से मन में टेंशन आता है, हेजिटेशन होता है, जो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो हम लोगों का जो मनोबल है, जो कार्य करने की क्षमता होगी बाद में वो भी प्रभावित हो जाएगा उससे। तो इससे इसके ऊपर तो हमको तो लगता बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब CBT 2 का एग्जाम लिया गया है, ये इतिहास में पहली बार है जो कि मतलब रेल मंत्रालय की तरफ से जब NTPC में मतलब ये लड़का लोग जब उग्र हुआ तो इसमें कहा, फिर एक होता है मुगल की तरह मतलब आदेश फरमान जारी कर दिया है कि कहता है कि सब अब जो लड़का मतलब इसमें
राष्ट्र का संपत्ति है, जो इसमें अगर इन्वॉल्व होते हो तो उसको दोबारा हम बैठने के लिए नहीं देंगे, और इसमें कई तरीके से एलिगेशन भी लगा रहे हैं। तो इससे लड़का का लगता है कि मतलब आप एक तो पहली बात है कि एनटीपीसी में मतलब ग्रुप जी में तो कभी आप दोबारा मतलब कभी कहे भी नहीं थे, नोटिस भी जारी नहीं किए थे, और अभी ये एनटीपीसी लेके तुरंत आप क्विक मतलब कह रहे हैं कि नहीं सीबीटी 2 भी लेंगे। तो इससे मतलब छात्रों का निराशा हो रहा है कि ये मतलब एक फोर्थ ग्रेड लेवल का जॉब है जिसमें हमें क्या करना है वो सबको पता है, आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और जो ग्रुप डी एनटीपीसी जो ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं सरकारी एग्ज़ाम्स, उसमें ज़्यादातर जो छात्र रहते हैं वो किस सामाजिक परिवेश से आते हैं? देखिए जितना भी इसमें जो भी छात्र लगभग ग्रुप डी का जो तैयारी करता है सब निम्नवर्गीय परिवार आता है, उनका घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, और चूंकि घर से भी प्रेशर रहता है और अपना सोच भी रहता है कि हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करें ताकि हम अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ जो जीवन यापन का हो सके उपाय कर सकें। क्या बताएं, मतलब स्टूडेंट लोग जो है ना अब माइंड से यानी सर से ऊपर हो जा रहा है, ये एक तरह से पंचवर्षीय योजना कर दिया गया है। हमें लग रहा है कि 2014 में आया था और उसके बाद अभी 2019 में ही भराया और 2022 में ये मतलब सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट दिया है। अब सीबीटी 2 का डेट दिया हुआ था तो ये सब तो आंदोलन बीच में चल पड़ा। तो सरकार को हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक कैलेंडर जारी करना चाहिए ताकि लड़का लोग को लगे कि ये अंधशा भ्रम मतलब दूर हो जाएगा, लगेगा कि चलो भाई इसमें नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मतलब दोबारा मौका मिलेगा, तिबारा मौका मिलेगा। देखिए बहुत तरह से संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी हम लोगों के पास रूममेट देने के लिए नहीं बचता है और पैसा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए इतना महंगा कर दिया, 400-400 रुपया ले लिए, बोले बाद में लौटाएंगे, एक साल दो साल बाद ही लौटाए तो बताइए 400 रुपया एक बार फॉर्म भरने में लगेगा, फिर एग्ज़ाम देने के लिए हमको जाना पड़ेगा, वो सब जोड़ के मान लिए तो कितना दिक्कत हो जाता है। कभी कभी हम लोगों के पास पैसा रहता नहीं कि हम फॉर्म ही फिलअप कर पाएँ, रूममेट नहीं दे पाते हैं। अब हो सकता है रूम रेंट मतलब क्या हमारे जो रूम ओनर हैं उनका दबाव हमारे ऊपर रहता है और ख़ुद हमारे आप में लगता है कि जहां हम रहें उनका तो एक टाइम पे निश्चित रूप से रूम रेंट देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं दे पाते हैं तो इसलिए अपने आप में भी दिक्कत हो जाता है। तो आराम से सब कोई मैं कह रहा हूँ कि सब छात्र अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक से ही पुलिस लाठी चार्ज कर दिया, लाठी चार्ज करने के बाद उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही पथराव शुरू किया, उसके बाद जब छात्रों के यहाँ पे आप अगर पता कीजिए कुछ छात्रों को चोट भी लगी है, कपार फट गया लड़का को, जब कपार उसका लड़का को फट गया है उसके बाद जब लड़कों ने गुस्सा कर उस पुलिस पे पथराव किया ना, तो सबसे पहले आज सुबह से शाम हो गई थी, एक भी कोई लड़का पत्थर चला दिया, किसी आम आदमी को किसी दुकानदार को नुकसान पहुँचाया हो, एक तो आप ऊपर से धांधली करते हैं, दूसरे में कोई भी छात्र जो है इसमें कोई भी अमीर घर का लड़का नहीं है, सब कोई गरीब है सर, और फिर भी इन लोगों के द्वारा देखिए कितना बार फायरिंग किया गया, कि कोई भी फायरिंग अगर किसी लड़के के बॉडी में लग जाती तो क्या उसके दो सरकार होती, क्या कोई भी नहीं होता, संभाल जाए सरकार, सब जितने भी परीक्षाएं हैं भारत में जितनी परीक्षाएं हैं उसमें धांधली हो रही है, तो सभी परीक्षाओं के लिए छात्र आंदोलन कर रहे कि हम लोग आंसू गैस का गोला भी दागा जा रहा है, कोई उनके द्वारा कोई सूचना देते होगा, उनके पास माइक है सब कुछ बोल देते कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग शांतिपूर्ण करिए, स्थिति से आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप चुनाव में तो झूठे वादे करते हैं फेंकू बाबा है, बड़का फेंकते हैं, छोटा सा एक प्रॉब्लम है छात्रों के साथ तो उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। छात्रों की ये मांग है कि किसी भी हालत में एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उसको फिर से जारी किया जाए, जो भी त्रुटियां छात्रों की तरफ से बताई जा रही हैं उसे सुधारते हुए। दूसरी मांग ये है कि जितने भी सरकारी परीक्षाएं हैं प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसका एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। आपने इंटरव्यू में सुना ही होगा कि किस तरीके से एनटीपीसी या दूसरे परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो 4-5 साल में एक बार निकलती हैं और सालों साल उसकी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। इसके वजह से छात्रों के ऊपर कई तरह के आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ते हैं। उनकी तीसरी मांग ये है कि जो बिना किसी नोटिफिकेशन के सीबीटी 2 की घोषणा जो सरकार ने की है उसे फिर से सरकार उसे कंसिडर करे, उस पर पुनः विचार करे। इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष समझने के लिए हम लोगों ने आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के कई वरीय अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने किसी भी मीडिया हाउस से बात करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सरकार और रेल मंत्रालय और बोर्ड मिलकर जो भी फैसला लेगा वो जल्द ही ओपन
पब्लिक फोरम पे कहा जाएगा बताया जाएगा और उन्होंने अभी इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार किया है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि जो NTPC या दूसरे प्रतियोगी परीक्षा सरकारी एग्जाम्स होते हैं उनके छात्रों के साथ क्या आर्थिक और मानसिक दबाव होता है और साथ ही उनकी क्या परेशानी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और चाहते हैं कि आपकी भी कहानी लोगों तक पहुंचे तो आप हमें कमेंट करके अपनी कहानी ज़रूर बताएं, हम उसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।